अब बुलवचन नामक गैंग के रडार पर है छात्र। छात्र की अनिच्छा के बावजूद आरोपी ने बाजार भाव से सस्ते बिना डिलीवरी किए फोन उपलब्ध कराने की पेशकश से बात शुरू की। वरिष्ठ नागरिकों विशेषकर महिलाओं को उनके सोने के गहनों से मुक्त कर उन्हें निशाना बनाने के बाद कुख्यात बोल बच्चन गिरोह ने युवा पीढ़ी को लूटने के लिए एक नई चाल चलनी शुरू कर दी है। मीरा रोड में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे एक 18 वर्षीय छात्र का मोबाइल फोन लूटने के बाद मामला सामने आया है। मीरा रोड के गीतानगर इलाके में रहने वाला 12वीं कक्षा का छात्र रेलवे स्टेशन के पास एक निजी कोचिंग क्लास के लिए जा रहा था, तब उससे एक व्यक्ति ने संपर्क किया जिसने खुद को एक प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिलीवरी बॉय के रूप में अपनी पहचान दी। छात्र की अनिच्छा के बावजूद आरोपी ने बाजार दर से सस्ते में बिना डिलीवरी किए फोन उपलब्ध कराने की पेशकश के साथ बातचीत शुरू की। आरोपी ने एक फोन भी दिखाया और छात्र को देखने के लिए मजबूर किया। इस बीच आरोपी ने छात्र का फोन अपने कब्जे में ले लिया और उसे एक गिफ्टेड कवर में डालकर लौटा दिया जो बारिश में गैजेट को भीगने से बचाएगा। इसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर अपने साथी के साथ फरार हो गया। कुछ मिनट बाद जब छात्र ने कवर की जिप खोली तो वह सादे कांच का एक टुकड़ा देखकर चौंक गया जो फोन के आकार का और आकार के सामान का था। आरोपी दोनों के खिलाफ मीरा रोड के नयानगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि जहां सतर्कता तेज कर दी गई है वहीं एक टीम बाइक का पंजीकरण नंबर और अन्य सुराग हासिल करने के लिए अपराध स्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है जिससे बदमाशों की पहचान का पता लगाया जा सके। ऋण ऐप धोखाधड़ी के लिए साइबर पुलिस के जाल में 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। नरेश सुखाड़िया उम्र 25, अरुण खोपकर उम्र 27 और राजेश विश्वकर्मा उम्र 27 मीरा भेंदर वसी विराट। पुलिस की साइबर अपराध शाखा भेंदर से 3 सदस्यीय गिरोह द्वारा संचालित एक ऋण ऐप धोखाधड़ी का खुलासा किया है। विशेष रूप से टीम ने 48 घंटे के भीतर तीनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जब उन्होंने नायगांव की एक महिला को पैसे निकालने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसकी सहमति के बिना ऋण ऐप ऑपरेटरों से 1,365 रुपये का क्रेडिट मिला और जब उसने राशि वापस भेजने की पेशकश की तो उन्होंने ब्याज के लिए एक खगोली राशि की मांग करना शुरू कर दी। ऐप संचालकों ने धमकी दी कि अगर वह उनकी मांगें पूरी नहीं करेंगे तो उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देंगे। 13 सितंबर को वाली पुलिस स्टेशन में महिला की शिकायत के बाद पुलिस इंस्पेक्टर सुजीत कुमार गुंजकर और पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रसाद शेनोलकर के नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम हरकत में आई। कथित लेनदेन के पैसे निशान पाए गए और यह पता चला कि फर्म के नाम पर एक चालू खाते में ले जाया जा रहा था। आगे की जाँच में 3 संदिग्धों नरेश सुखाड़िया, अरुण खोपकर और राजेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच के लिए वाली पुलिस स्टेशन को सौंपे गए तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 384 के तहत महिला की शील भंग और जबरन वसूली और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस तरह के और अपराधों में तीनों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया है। मीरा भेंदर वसी विरार पुलिस ने लोगों से यह सत्यापित करने का आग्रह किया है कि ऋणदाता RBI के साथ पंजीकृत है या नहीं। वो किसी भी डिजिटल ऋण ऐप को डाउनलोड करने से पहले क्रेडेंशियल्स की जांच करें। उन्होंने नागरिकों को इस तरह के छायादार आवेदनों को अनुमति देने से परहेज करने का भी निर्देश दिया है। नागरिक स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं, www.cybercrime.government.in पर लॉग इन कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर साइबर क्राइम सेल को कॉल कर सकते हैं। नगर पालिका के नगर सेवकों मेयर डिप्टी मेयर के रूप में फोटो व नाम नगर पालिका के कार्यकाल के बाद भी नगर पालिका की वेबसाइट पर बने रहने की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने जो शासनालय व हसमुख गहलोत की तस्वीरों व नाम हटा दिया है। मीरा भेंदर नगर पालिका का कार्यकाल 27 अगस्त को समाप्त हो गया था। नगर पालिका की वेबसाइट पर पहले पन्ने पर महापौर आयुक्त और उपमहापौर की तस्वीरें हैं, लेकिन नागरिक दिनेश नाइक ने प्रशासन से शिकायत की कि 27 अगस्त को जब नगर सेवकों का कार्यकाल समाप्त हो गया था उसके बाद भी उनकी तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं, जिसके चलते गुरुवार को पूर्व मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर के नाम की फोटो साइट से हटा दी गई है।